कुश्ती संघ के चुनाव में तो 80% जाट जीते हैं। प्रदर्शन के नाम पर तो वहां पर शुरू से राजनीति हो रही है। बजरंग पुनिया एक बार मेडल ले आया, अब क्या देश को मोल लेगा? ये बोल है हरियाणा के कैथल से बीजेपी विधायक लीला राम गुजर के। आपको ये जानकर बेहद शर्मिंदगी महसूस होगी कि जब देश की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक रोते हुए कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर देती है, तो इस बीच कोई ऐसा बयान भला कैसे दे सकता है। लेकिन भाजपा विधायक लीला राम गुजर ने देश की आन बान शान हमारे पहलवानों पर भद्दी टिप्पणी करके ये कारनामा कर दिखाया है। लीला राम गुजर से जब मीडिया ने साक्षी मलिक के संन्यास को लेकर सवाल पूछा, तो लीला राम गुजर ने कहा कि ये सब तो शुरू से राजनीति कर रहे हैं, इनको 10 दिन बाद देखना, ये फिर से मैच खेलने लगेंगे। लीला राम गुजर ने लंबे समय से न्याय की मांग कर रहे पहलवानों पर सवाल उठाते हुए कहा कि या तो वो गेम खेल ले या फिर वो राजनीति कर ले, लेकिन ये सिर्फ गेम की आड़ में राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी विधायक लीला राम गुजर ने बड़ी ही बेशर्मी के साथ कहा कि बजरंग पुनिया एक बार मेडल ले आया, अब क्या देश को मोल लेगा। आपको बता दें कि सिर्फ लीला राम गुजर नहीं, बल्कि अब तक बीजेपी के कई बड़े नेता देश के पहलवानों पर भद्दी टिप्पणी कर चुके हैं। वैसे तो हिंदू संस्कृति में कहा जाता है कि बेटियां सबकी सांझी होती है, बेटियां घर समाज और देश की इज्जत होती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इस नए भारत में लगता है कि अब ये बात पुरानी हो गई है। इसलिए सत्ता और मीडिया के लिए बेटियों के साथ छेड़खानी करने से ज्यादा बड़ा अपराध मिमिक्री करना हो गया है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री मिमिक्री के पीड़ित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को तो फोन करते हैं, लेकिन रोते हुए कुश्ती को अलविदा कहने वाली ओलंपिक चैंपियन बेटी को फोन नहीं करते हैं। देश की महिला राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री से तो आहत है, उसके लिए बकायदा ट्वीट करती है, लेकिन रोते हुए कुश्ती छोड़ने वाली साक्षी मलिक के लिए ट्वीट नहीं करती। देश की तमाम महिला एंकर्स मिमिक्री पर तो प्रोग्राम करती है, लेकिन रोते हुए जब साक्षी मलिक कुश्ती को अलविदा कह देती है, तो साक्षी मलिक के आंसुओं पर एक भी डिबेट देखने को नहीं मिलती। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बेटियों की इज्जत अब देश के लिए कोई मायने नहीं रखती? जब देश की संसद में देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी सरकार के लिए महिलाओं का मान सम्मान बहुत बड़ा है, लेकिन किस तरह से बेटियों का मान सम्मान किया जा रहा है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।